हेलो दोस्तों, वेलकम टू खाना मुबारक। तो आज हम बना रहे हैं लौकी की पूरी। बहुत ही सिंपल और ज़बरदस्त टेस्ट वाली डिश है ये। तो यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले मैदे के आटे में थोड़ा सा घी और नमक डालकर उसको गून लिया, और उसके पूरी के साइज़ के हमने पेड़े बनाकर उसको बेल लिया था। उसके बाद उसके बीच में ये जो आप देख रहे हैं, ये लौकी है, फ्रेशली ग्रेटेड। जो लौकी होती है, बॉटल गोर्ड जो होता है, सिर्फ वो है ये, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है। उसको हमने उसके बीज निकाल लिए, और जो लौकी होता है उसको कद्दूकस करके, यानी कि फ्रेशली ग्रेटेड लौकी को हमने यहाँ पे बीच में रखा है। इसको अब हम क्लोज करेंगे और इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। तो ये एक सिंपल सी, बहुत टेस्टी और अच्छी, एक आपको पसंद आएगी रेसिपी, इसको ज़रूर बनाइएगा। तो अब हम इसको फोल्ड कर कर इसको क्लोज करेंगे, उसके बाद इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे। तो ऐसे हम इस तरीके से इसको क्लोज करेंगे और इसको बेल लेंगे। तो ये सिंपल सी लौकी की पूरी है। अगर आप चाहें तो इसको लौकी की कचौरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि सब मेथड उसमें सेम है। तो इस तरीके से हमने इसको क्लोज कर कर इसको फिर से थोड़ा बेल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने ऊपर से और थोड़ा सा मैदा लगा कर इसको अब हम बेलेंगे, ताकि हम जा क्योंकि जो अब बेलने से पहले हम इसको मैदा इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये चिपकता है, इसलिए अच्छी तरीके से हमको बेलने के लिए आ जाए। और ये इसलिए हम इसको थोड़ा लगाकर मैदा ऊपर से हमने स्प्रिंकल कर दिया, उसको हम बेलेंगे। और इसके बाद इसको गरम गरम तेल में हम फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा नहीं हम बेलेंगे, एक बार एक फ्लैट होने से इतना ही काफ़ी है। तो यहाँ पे हमने तेल को अच्छी तरीके से गरम कर लिया, और तेल अच्छी तरीके से गरम होने के बाद ही इसमें हम हमारी पूरियाँ ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो जैसे मैंने आपको बताया, ये लौकी की पूरी आप इसको बोल सकते हैं, या लौकी की कचौरी भी इसको आप बोल सकते हैं। सिंपल, बहुत ही सिंपल है और टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त है। अंदर सिर्फ इसकी फ्रेशली ग्रेटेड लौकी है, और जो आटा हमने लिया है मैदे का, जिसको रिफाइंड व्हीट फ्लावर बोलते हैं, इसको हमको तलते जाना है। मैदे के आटे में थोड़ा सा नमक और घी ऐड करके हमने उसको गून लिया था। तो यहाँ पर देखिए किस तरह इसका कलर आ रहा है। ये बन रही है लौकी की पूरी या कचौरी। तो हमने शुरू में डालने के बाद, थोड़ी देर के बाद आग को मीडियम कर लिया है। उसके बाद हम मीडियम आग में इसको तल लेंगे, जब तक ये कम्प्लीटली तैयार नहीं हो जाती। तो यहाँ से तो टोटल हमको 2 से 3 मिनट हम इसको घुमा कर तलेंगे, क्योंकि जो अंदर का हिस्सा होता है इसके, तो वो भी पकना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि हम इसमें डालते हैं मीडियम आग पे, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा शुरू में जब डालने के वक्त आग फुल फ्लेम होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको हम मीडियम फ्लेम कर कर 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। इसको अब हमने फ्लिप कर दिया, यहाँ पे किस तरीके से बहुत ही बढ़िया कलर आया है इसका। जैसे कचौरियाँ होती हैं, ये है लौकी की खस्ता कचौरी। तो यहाँ पे देखिए, हमने फ्राई कर कर तैयार रखी है। तो ये है खस्ता कचौरी, जो ऊपर से क्रिस्प और अंदर से फ्रेशली ग्रेटेड लौकी, मस्त है खाने में। इसको नाश्ते में ज़रूर बनाइए। लौकी की कचौरी बोल सकते हैं इसको आप, या तो या लौकी की पूरी बोलिए। तो इसको ज़रूर बनाइएगा। लौकी की सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ भी चीज़ें इसमें ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बहुत टेस्टी रेसिपी है ये। इसको नाश्ते में बनाइए, स्नैक्स में बनाइए, एक बार आप बनाएंगे तो उसको ज़रूर आप हमेशा बनाएंगे। तो ये थी आज लौकी की खस्ता कचौरी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। खाना मुबारक में देखते रहिए। अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और पसंद आए तो शेयर करिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे।